अब देखो मिडिल में ला, अब सीरीज मिस्टर लगाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा जी लेवल पर यहाँ पर। हेलो बच्चों लोग, आज हम लोग करने वाले हैं क्या, कैपेसिटेंस ऑफ अ क्यूब या क्यूब के सारे केसेस हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या, इसके जो भी डायग्राम होंगे उन डायग्राम को हम लोग मॉडिफाई करेंगे और इसके जो रिजल्ट होंगे वो आपको लर्न करने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिस तरीके से रिजल्ट कैपेसिटर में चलेगा, सेम रिजल्ट किस में चलेगा, रेजिस्टेंस में चलेगा, बस थोड़ा सा बदला होगा वो हम देख लेंगे, बट अप्रोच दोनों की सेम लग रहेगी। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बनती है बेटा, वो तीन टाइप की पॉसिबिलिटी बनती है। पहला, आपके पास क्यूब के डायगोनल के अक्रॉस रिजल्ट निकाला जाए। दूसरा, आपके पास किसी सरफेस के डायगोनल, यानी नीचे जो सरफेस है इसका डायगोनल लिया जाए। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि आजू बाजू वाले पॉइंट, यानी एडजेसेंट साइड के आजू बाजू वाले कॉर्नर के अक्रॉस क्या लगा दिया जाए। हेलो बच्चों लोग, आज हम लोग करने वाले हैं क्या, कैपेसिटेंस ऑफ अ क्यूब या क्यूब के सारे केसेस हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या, इसके जो भी डायग्राम होंगे उन डायग्राम को हम लोग मॉडिफाई करेंगे और इसके जो रिजल्ट होंगे वो आपको लर्न करने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिस तरीके से रिजल्ट कैपेसिटर में चलेगा, सेम रिजल्ट किस में चलेगा, रेजिस्टेंस में चलेगा, बस थोड़ा सा बदला होगा वो हम देख लेंगे, बट अप्रोच दोनों की सेम लग रहेगी। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बनती है बेटा, वो तीन टाइप की पॉसिबिलिटी बनती है। पहला, आपके पास क्यूब के डायगोनल के अक्रॉस रिजल्ट निकाला जाए। दूसरा, आपके पास किसी सरफेस के डायगोनल, यानी नीचे जो सरफेस है इसका डायगोनल लिया जाए। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि आजू बाजू वाले पॉइंट, यानी एडजेसेंट साइड के आजू बाजू वाले कॉर्नर के अक्रॉस क्या लगा दिया जाए, बैटरी लगा दी जाए। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये सब हटा के कोई एक लगाएंगे और उस एक की वैल्यू जिसे हम क्या बोलेंगे, नेट रिजल्टेंट इक्विवेलेंट टोटल, यहाँ पे जो इसके जो वैल्यू निकाली जाती है वो किस तरीके से आएगी वो हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग रिजल्ट देखते हैं। तो पहले देखो, आपके पास यहाँ पे अगर डायगोनल के अक्रॉस अगर आप चाहते हो तो ये क्यूब का डायगोनल रहा, और क्यूब के डायगोनल के अक्रॉस अगर आप आंसर निकालने की कोशिश करते हो तो आपका जो आंसर आता है डायगोनल के अक्रॉस वो कितना आता है, 6/5। अगर आप एडजेसेंट डायगोनल यानी सरफेस का डायगोनल वाला देख रहे हो तो आंसर आता है 4/3, जिसे मैंने ए और एम कहा है। और तीसरा ए एन, यानी आजू बाजू के अक्रॉस अगर बैटरी लगाते हो तो रिजल्ट आएगा 12/7, यानी आंसर क्या है, 6/5, 4/3 और 12/7। सेम केस किसके अंदर आएगा बेटा, सेम केस रेजिस्टेंस के अंदर आएगा। यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो इनवर्स हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 5/6R, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/4R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7/12R। लेकिन याद रखना यहाँ पे वैल्यू, ओके, कैपेसिटर के केस में बेटा वैल्यू जो रखी गई है वो रखी गई है C, और रेजिस्टेंस के केस में जो वैल्यू रखी जाएगी वो रखी जाएगी आपके पास R, ठीक। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है आपके पास यानी डायगोनल के अक्रॉस हमारे पास क्या आता है, 6/5। हम कंफ्यूज ना हो तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टडी करेंगे अभी, किसका, केवल कैपेसिटर का। लेकिन एक अगर लर्न कर रखते हो तो दूसरा उसका जस्ट इनवर्स होता है, और मेथड भी क्या है सेम, बट रिजल्ट इनवर्स इसलिए होता है क्योंकि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, उल्टे एडिशन में आते हैं। तो अगर आप कैपेसिटर का रिजल्ट प्रूव करते हो तो आपके पास रेजिस्टेंस का लर्न हो जाता है, या रेजिस्टेंस का प्रूव करते हो तो इसका प्रोसेस सेम रहेगा। ओके, नाउ यहाँ पे डायगोनल के अक्रॉस 6/5, आजू बाजू के डायगोनल यानी सरफेस डायगोनल के अक्रॉस 4/3, ये बॉडी डायगोनल। डायगोनल का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे बॉडी डायगोनल होता है जनरली, बट आजू बाजू के अक्रॉस क्या होता है, 4/3, और ये 12/7। तो चलो जरा प्रूविंग पे चलते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा, बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल को हमने देखो यहाँ पे कोई भी नहीं, मैंने क्या बोला था, ए और डी, तो ए और डी बोला है, तो हम लोग पॉइंट यहाँ पर रख देते हैं, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया, और इसके अक्रॉस हमने क्या कर दिया होगा, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया होगा। कैसे भी बैटरी आप कनेक्ट कर दो वो तो जस्ट समझने के लिए होता है कि एक हमने पावर सप्लाई दिया। तो यहाँ से क्या होगा, ये जितने भी यहाँ पे जो आपको कैपेसिटर दिख रहे हैं ये सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। अब यहाँ से देखो जो कुछ पॉइंट मार्क किए गए, ये पॉइंट देखो कैसे कलर का है, येलो कलर का है। तो जो येलो कलर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट आपके पास सेम पोटेंशियल पे है। सेम पोटेंशियल से मतलब हुआ कि यहाँ से जो वैल्यू है वो क्या आएगी, सेम आएगी, यानी फ्लो जो आएगा वो क्या आएगा, सेम या फिर फ्लो नहीं होगा। क्या मतलब है समझो, यहाँ से हम बात करते हैं, जैसे ग्रेविटी में हम कहें अगर
कि किसी चीज को हमें या किसी लिक्विड को ऊपर से कहाँ रख फेंकना है, नीचे फेंकना है, यहां से एक पॉइंट ए है, ये एच हाइट का पॉइंट है, और यही कोई दूसरा सेम यहां पे अगर डिस्प्लेस करके अगर यहां से फेंका जाए तो यहां से गिरना और यहां पे गिरना दोनों के गिरने का जो अंदाज होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप एनर्जी कंजर्वेशन से जाओ तो एम जी एच है यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि एच हाइट मान लिया हमने, और यहाँ पे भी एनर्जी क्या है, एम जी एच, तो यहाँ पे आओगे तो सेम एनर्जी मिलेगी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, सेम अंदाज, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो क्या आ रहा, सेम। और एनर्जी गैप से क्या होता, मूवमेंट होता किसका, मास का, यानी जो हमारे पास जो लिक्विड है बेसिकली वाटर होता है, तो ऊपर से नीचे बड़ी आसानी से, सेम जो अंदाज यहाँ पे होगा वही अंदाज यहाँ पे होगा। हम लोग इसी को दूसरे अंदाज में कहते हैं पोटेंशियल, क्या कहते हैं पोटेंशियल, यानी गैप है, एनर्जी गैप। पोटेंशियल का मतलब भी क्या होता है, एनर्जी होता है तो गैप चाहिए, दो पॉइंट्स के बीच में अगर मास का मूव कराना है तो एनर्जी गैप चाहिए, तो मास क्या करेगा, मूव करेगा। और नेचर का रूल है यहाँ पे कि इसे हम क्या बोलेंगे, हायर पोटेंशियल, और इसे क्या बोलेंगे, लोअर पोटेंशियल, यानी ये ज्यादा हाइट है और ये क्या कम हाइट है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा, चीजें ऑटोमेटिक क्या हो गई, फॉल डाउन हो गई। इसको एक और अंदाज में हम लोग समझते हैं हीट में। हीट में हम ये चीज करते हैं टेम्परेचर के टर्म में, हम कहते हैं एक टी वन है एक टी टू है, तो टी वन इज ग्रेटर देन क्या हो, टी टू, तो अपने आप यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर होगी। जैसे आप समझ लो चाय का कप है कितने डिग्री पे, 100 डिग्री पे, रूम टेम्परेचर मैंने मान लिया 30 डिग्री, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, यहाँ फ्लो कर जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी चीजें हायर एनर्जी लेवल से कहाँ जाती है, लोअर एनर्जी लेवल में जाती है। केमिस्ट्री में भी आपको ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराए जाते हैं कि हर चीज कहाँ जा रही है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, वो चीज यहाँ पे भी वैलिड है कि अपने आप क्या हो रहा है, ये कूल डाउन होगा अपने आप कहाँ से, 100 डिग्री पे, कहाँ 30 डिग्री पे, क्योंकि हायर एनर्जी यानी टेम्परेचर अगर 100 डिग्री का है तो वो क्या करेगा, कूल डाउन होने की कोशिश करेगा। तो हीट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, पोटेंशियल का मतलब हमारा टेम्परेचर से होता है, ग्रेविटी में पोटेंशियल से मतलब हाइट से होता है, और इलेक्ट्रिसिटी में जो पोटेंशियल होता है उसे हम सिंपली वोल्टेज ही बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी में जो पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियल गैप है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लस और निगेटिव से हम लोग इस चीज को समझते हैं कि चीजें जनरली प्लस क्या होता है, हायर पोटेंशियल होता है निगेटिव वाला, लोअर पोटेंशियल होता है, चीजें कहाँ से कहाँ जाती हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगर हम लोग बैटरी बनाते हैं तो क्या कहते हैं कि एक हमारा जो करंट है वो कहाँ से, प्लस टर्मिनल से कहाँ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो गैप चाहिए, यानी एक प्लस और माइनस के बीच में क्या चाहिए, गैप चाहिए, करंट की बात कर रहे हैं हम लोग फिलहाल, ये बैटरी के अंदर सिखाया जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना है कि प्लस माइनस यानी पोटेंशियल एनर्जी का गैप चाहिए, हमें क्या चाहिए, एनर्जी का गैप। जैसे यहाँ ग्रेविटी में हाइट है, यहाँ पे टेम्परेचर है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, वो कह सकते हो आप एनर्जी गैप है, जैसे वोल्टेज ही बोला जाता है, तो यानी यहाँ पे आपके पास जो गैप है वो क्या, पोटेंशियल गैप रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इस यहाँ पे जरा देखो, हम लोगों ने जैसे यहाँ पे पावर सप्लाई दिया तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा, यानी चार्ज का इसमें फ्लो होगा और यहाँ से चार्ज यहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट को अगर ध्यान से देखो तो जो चार्ज यहाँ पे आया होगा, मुझे नहीं पता यहाँ से कितना आया होगा, लेकिन जितना भी आया होगा उसको यहाँ से आगे रास्ता सेम है। देखो उस पॉइंट तक पहुंचना है तो एक रास्ता ये एक रास्ता ये, तो ध्यान से देखो एक रास्ता ये और एक रास्ता ये है अगर, तो आप जरा ध्यान से समझो कि यहाँ से जो रास्ता है वो टू कैपेसिटर के थ्रू जाता है, ये भी टू कैपेसिटर के थ्रू जा रहा है, ये वाला रास्ते स्थिति को यहाँ से टू कैपेसिटर से यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे भी टू से, और यहाँ से भी वन टू, और यहाँ से भी वन टू, यानी ये पॉइंट जो है ना वो क्या है, सेम है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्रेविटी में आपने क्या कहा था कि भाई हाइट क्या है, सेम है, लेवल ऑफ, यानी चाहे ये पॉइंट हो और ये पॉइंट हो, दोनों पॉइंट के मतलब क्या है, एक ही है, और अगर दोनों पॉइंट एक है तो उन्हें हम कंबाइन कर सकते हैं, मिक्स यानी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बार उठा के क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, इनको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली ये वाले देखो एक पॉइंट रेड कलर भी सेम होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से जो भी चार्ज या करंट का फ्लो होगा, करंट नहीं चार्ज कहना ठीक है, यहाँ पे चार्ज का जो फ्लो होगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो आप कहोगे कि यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है ये भी, यानी जो रेड कलर के पॉइंट है ये भी पोटेंशियल सेम होगा, और उसके बाद एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और मिड में जो सेक्शन है वो कितना, 6 कैपेसिटर का सेक्शन लगा हुआ है। जैसे हमने इस सर्किट को यहां से यहाँ पे ब्रेक किया तो ये सर्किट जो इस तरीके की सर्किट दिख रही थी वो इस तरीके से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। ऐसा इसलिए देखो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 3 लगे, और लास्ट में रेड के उस साइड में कितना, बैटरी के लिए 3 3। अब ये पॉइंट को ए और उसको बी, यानी ये वाला पॉइंट आपका ए होगा और ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, डी होगा। ओके, तो हम लोग अब चलते हैं एक स्टेप आगे,
और हम लोग इसके सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ ये आपके पास ए पॉइंट है और ए वाला कौन सा है, डी पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व भी तो करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करना बिल्कुल आसान होगा। तो जरा देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सर्किट को हम लोग मॉडिफाई करते जाएंगे और सॉल्व होता जाएगा। देखो यहाँ एक 1 2 3 ये जो दोनों कंबाइंड है तो तीनों कैसे है, ध्यान से देखो तीनों कैपेसिटर पैरेलल में होगा तो आंसर 3C हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 ये 6 कैसे है पैरेलल में, तो आंसर क्या हो जाएगा 6C हो जाएगा। ये तीनों कैसे है पैरेलल में, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 3C। डायरेक्ट एडिशन होता है। तो ये आपके पास डी पॉइंट होगा और ये आपके पास क्या होगा, ए पॉइंट होगा। बड़ा अच्छा सा आंसर आ गया। अब यहां से इसका सॉल्यूशन करना है आपको, तो यहां से सीरीज है। अब सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स एडिशन होता है, सी इक्विवेलेंट इनवर्स ले लो 1/3C प्लस 1/ क्या आएगा 6C प्लस 1/ क्या आएगा 3C। अब यहां से क्या करो आप, 2 का मल्टीप्लाई कर लो ऊपर। यहाँ पे आपने जैसे ही आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो इंटू टू और इंटू टू। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ 1/C इक्विवेलेंट 2 बाई क्या हो गया 6C प्लस 1/6C प्लस 2 बाई क्या होगा 6C। नीचे बेस सेम हो गया तो 6C आएगा, ऊपर एडिशन करो तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 2 + 1 + 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/6 इंटू नीचे क्या बचा हुआ है सी। अभी इन्वर्स होगा क्योंकि 1/ चल रहा था, तो सी जैसे आप इन्वर्स करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास सी इक्विवेलेंट इन्वर्स करोगे तो आंसर हो जाएगा आपके पास 6C/ क्या हो जाएगा 5 या 6/5 ऑफ C। तो पहला रिजल्ट सी इक्विवेलेंट अक्रॉस डायगोनल कितना होता है 6/5 ऑफ क्या होता है सी। ये आपके पास प्रूविंग रहा है और ये इसकी क्या रही सर्किट। इसी क्वेश्चन को करने का एक और अंदाज होता है, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सॉल्यूशन कैसे भी आए लेकिन आपको रिजल्ट आपको लर्न करना होगा, ध्यान रखना है इस चीज को। तो फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लेने का, अगर कुछ भी दोबारा से देखना हो। फिलहाल हम लोग इसके एक और सॉल्यूशन, सेम डायग्राम को हम लोग लेंगे, यही वाला डायग्राम, ये वाला हम लोग सेम टू सेम रखेंगे और इसको हम लोग हटा देंगे। तो हम लोग इस डायग्राम को यहाँ से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। और देखो यहाँ इसी क्वेश्चन को करने का एक और अंदाज हो सकता है, और वो अंदाज क्या है, देखो यहाँ पे आपने कहा, मान लो कि यहाँ से कोई भी चार्ज चला Q/3। ऐसा इसलिए कि मैंने मान लिया कि यहाँ से कितना चार्ज चला Q, तो यहाँ पे Q/3 जाएगा। तीनों रास्ते आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ पे Q/3 और यहाँ इस रास्ते में भी क्या आ जाएगा Q/3। यानी इन तीनों रास्तों से कितना चार्ज चला होगा Q/3, Q/3 और Q/3। तो ये वाली जो सर्किट अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो यहाँ से Q/3 चला, जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ से दो रास्ते और दोनों इक्वल रास्ते हैं, तो चार्ज जब डिवाइड होगा तो यहाँ से इस वाली ब्रांच में कितना चार्ज का फ्लो होगा, इसका जस्ट आधा हो जाएगा। तो Q/3 का आधा कितना होगा Q/6, यहाँ पे भी क्या जाएगा Q/6 जाएगा। लेकिन जो चार्ज यहाँ से चल के जाएगा इधर अंदर से भी आ रहा होगा, तो इस ब्रांच में फिर से आपके पास क्या मिल जाएगा Q/3 मिल जाएगा। अब मैं कैपेसिटर का नेमिंग कर देता हूँ, मैंने मान लिया कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और मैं बाहर वाला सर्किट ये जो आपको दिख रहा है ये वाला सर्किट अलग से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो जैसे आप ये वाला सर्किट आप ड्रॉ करोगे तो आपको पहले देखो कैपेसिटर नंबर 1 मिलेगा, फिर आपको कैपेसिटर नंबर 2 मिलेगा और फिर आपको कैपेसिटर नंबर 3 मिलेगा, और जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करोगे यहाँ पे एक बैटरी मिलेगी। अब आप क्या देखोगे यहां से कि इसके अंदर जो फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी इस वाली कैपेसिटर नंबर 1, ये 1 है, ये 2 है और ये आपके पास 3 है, यहाँ पे एक वायर गया है। देखो कैपेसिटर नंबर 1 के बाद एक वायर गया, तब 2 आया, और 2 और 3 के बीच में भी एक वायर गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू दिखाएं चार्ज की, तो यहाँ पे इस वाले में चार्ज कितना आया Q/3 आया, इसमें कितना आया Q/6 आया, और इसमें क्या आया Q/3 आया। ये सर्किट ले लिया और ये किसका रूल है, ये वोल्टेज लगा दी, किरचॉफ वोल्टेज लगा, यानी KVL क्या कहेंगे कि जो हमने बैटरी में जितना वोल्टेज लगाया होगा इन तीनों कैपेसिटर ने क्या कर लिया होगा, इसको कंज्यूम कर लिया होगा, यानी तीनों कैपेसिटर ने इसको क्या किया होगा, डिवाइड कर लिया होगा। तो V इक्वल टू क्या होगा V1 + V2 + क्या आएगा V3। अब क्या करेंगे यहां से C इक्वल टू आपके पास होता है Q/ क्या होता है V, तो आपको अगर वोल्टेज निकालना है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/ क्या हो जाएगा
सी, तो हमें यहां पे वोल्टेज की वैल्यू फॉर द वन क्यूब, क्यूब की वैल्यू कितनी है, क्यू बाई थ्री है बाई क्या होगा सी, दूसरे वाले के लिए क्या है क्यू बाई सिक्स डिवाइडेड बाई सी, तीसरे वाले के लिए क्या है क्यू बाई अगेन थ्री डिवाइडेड बाई क्या होगा सी। अब इस पूरे सर्किट में यानी यहां पे जो भी कुछ है इसकी जगह एक नया कुछ लगाएंगे, नया कुछ मतलब क्या लगा दिया हमने यहाँ पे इसी सर्किट को ऊपर वाला सर्किट की जगह क्या लगाएंगे सी इक्वेलेंट, और उसमें जो बैटरी सप्लाई देंगे वो तो वही देंगे, तो चार्ज यहाँ पे भी कितना जाएगा क्यूब जाएगा। तो इसका अगर आप वोल्टेज लिखना चाहो तो क्या होगा क्यूब सप्लाई होगा डिवाइडेड बाई सी, लेकिन सी कौन सा इक्विवेलेंट जो से हम रिजल्टेंट बोलेंगे, यानी जहां थ्री है वहां की जगह एक काम करेगा वो उसी बैटरी से पावर लेगा यानी सेम चार्ज लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया क्यूब पूरी इक्वेशन से क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास वन अपॉन सी इक्विवेलेंट बचा इक्वल टू वन अपॉन थ्री सी प्लस वन अपॉन क्या बचा सिक्स सी प्लस वन अपॉन क्या बचा अगेन थ्री सी। तो देखो यहाँ ये फिर से वही फॉर्मेट बन गया। अब जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे तो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट आप एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा सिक्स सी, तो ये हो जाएगा टू प्लस वन प्लस टू, तो आंसर आएगा फाइव बाई सिक्स ऑफ सी। और इसको इन रिवर्स करो, देखो पिछली बार मैंने इसको बिना एलसीएम यानी मल्टीप्लाई करके रेश नीचे वाला नंबर सेम करके सॉल्व किया था, यहाँ एलसीएम ले दिया वो सॉल्यूशन। ये वाले स्टेप के बाद आप कैसे भी जा सकते हो, ये आपकी अपनी मेथड है। तो यहां से फिर हम लोग इसको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, जैसे आप रिवर्स करोगे आपको आंसर अगेन कितना दिख जाएगा सिक्स बाई, देखो यहां जैसे आप इसको रिवर्स करते हो तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सिक्स बाई फाइव ऑफ सी। तो ये आपके पास एक आंसर हो गया किसका क्यूब के डायगोनल के अक्रॉस अगर सेम वैल्यू के कैपेसिटर लगे हो तो रिजल्टेंट क्या होता है सिक्स बाई फाइव ऑफ सी। तो जिसको जैसे करना हो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट आपको क्या रखना होगा ध्यान रखना होगा। तो चलो एक पार्ट इसका क्या होता है कंप्लीट, दूसरा हिस्सा आपके पास क्या था, आपके पास डायगोनल थे, डायगोनल किसके सरफेस का, कोई भी एक सरफेस उठाओ और उसके डायगोनल आपको डील करना है, तो डायगोनल के अक्रॉस जो रिजल्ट आता है वो आपके पास ये दो पॉइंट है, आपके पास एक पॉइंट को हम लोगों ने ए बोल दिया और दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं क्या बोलना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ यहाँ पे नंबरिंग दी है, यहाँ पे ए और क्या बोला था ए एम बोला था, तो इस पॉइंट को भी हम लोग क्या बोल देंगे एम बोल देंगे। ओके बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको जो लेना है ले सकते हो, ए पॉइंट क्या हो जाएगा आपका एम हो जाएगा। तो फिर से वही चीज, हम इसके अक्रॉस क्या करेंगे एक बैटरी सप्लाई देंगे, कहीं से भी कैसे भी कोई भी टर्मिनल कनेक्ट करते हो उसमें कोई रूल नहीं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे पॉइंट कौन सा होगा बोलो एम वाला होगा। अब फिर से देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट मार्क किए गए, देखो आप ध्यान से कि जो आपके पास येलो कलर का है, येलो कलर के लिए यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास बिल्कुल एक ऐसा काम समझो कि जैसे लिक्विड का फ्लो हो रहा किसी पानी का, मान लो यहाँ वाटर मान लो फ्लो हो रहा और किसी टैंक है यहाँ पे और इस टैंक में घूम के पानी यहाँ पे स्टोर किया जा रहा, और अगर आप डायरेक्ट शॉर्टकट दे दो यहाँ पे तो क्या पानी इस लाइन में जाएगा, आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ अगर आपने शॉर्टकट उतना ही दे दिया तो पूरा लिक्विड क्या होगा यहां से यहां फ्लो कर दे उधर जाएगा ही नहीं। तो मतलब ये है कि अगर हम चार्ज को या करंट को कोई एक शॉर्टकट रास्ता दे दें, यानी एक किसी पॉइंट पे अगर चार्ज पहुंच जाए या करंट और वहां से शॉर्टकट कोई रास्ता मिल जाए, तो जो लॉन्ग कट वाला रास्ता होता ना उधर फिर वो कभी कभी जाता ही नहीं है, वो सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा। लेकिन रास्ता क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे ये जो पाइप है जितना आपका यहाँ साइज है वही साइज अगर इधर मिल जाए तो ये बिल्कुल भी क्या होगा आगे नहीं जाए, हाँ कम होगा तो कुछ यहाँ से भी जाएगा यहाँ से भी आएगा। तो ध्यान रखना अगर सेम साइज मिल जाए यहाँ पे तो यहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा पूरा पानी यहाँ पे फिल हो जाएगा, कुछ कुछ यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। देखो यहाँ आप क्या देखोगे कि जो चार्ज यहाँ पे आया होगा उसको यहाँ पे जाने के लिए एक कैपेसिटर से गुजरना है, लेकिन अगर वो इस रास्ते से जाता है तो एक दो तीन, तो इस रास्ते वो जाएगा ही नहीं यहाँ से, क्योंकि उसको यहाँ पे बेहतर रास्ता मिल रहा है, तो वो सीधा यानी यहाँ पे जाओगे तो कैपेसिटर की वैल्यू और ज्यादा डिफिकल्ट यानी चार्ज को चलने में मुश्किल होगी, वो सीधा यहाँ से शॉर्टकट लेगा और यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब जो चार्ज यहाँ से चल के यहाँ आया होगा उसके लिए भी देखो यहाँ पे एक रास्ता ये है दो कैपेसिटर वाला और एक यहाँ से है तीन या चार कैपेसिटर, तो यहाँ से जो है वो यहाँ से यहाँ तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन जो दूसरा रास्ता है वो या नीचे से जो रास्ता जाएगा, ध्यान से देखो आपके पास ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता भी क्या है आपके पास सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो वायर है
इस वायर में क्या होगा बेटा, देखो इसके लिए क्या कहेंगे कि ये शॉर्टकट पकड़ लेगा, इसके लिए ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता क्या है, सेम है, तो एक रास्ते में चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा। देखो ये वाला रास्ता वो पकड़ेगा और इस रास्ते में क्या होगा, वो फ्लो ही नहीं होने देगा। मतलब ये है कि इस केस में ये वाला जो वायर लगा है ना, उसमें फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो जहां पे जिस तरीके से देखो, यहाँ पे क्या है, जो येलो कलर के पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया है, सेम, या फिर यहाँ से आप कह दो कि यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी लेवल सेम है। और ऐसा अगर होता है तो आपके पास फ्लो रुक जाता है, वहां से फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेड कलर के पॉइंट में भी पोटेंशियल सेम है, तो वहां से भी फ्लो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो जब फ्लो नहीं होगा तो वहां से उस वायर को कनेक्ट होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, जैसे इसको क्या करेंगे, जब यहाँ पे करंट गया ही नहीं तो इसको क्या कर दो, हटा दो, इन दोनों को क्या कर दो, हटा दो। तो जैसे ही सर्किट में ये दोनों हटेंगे तो सर्किट हमारा इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, मैं इसको भी आपको टू वे में करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले सॉल्यूशन देखो, पहले काउंट करते हैं। दो हट जाएंगे तो टोटल 12 कैपेसिटर होंगे, यहाँ पे दो हटेंगे तो 10 होना चाहिए। ये जो सर्किट बनाया गया उसमें 10 ही कैपेसिटर लगे होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, 10 हो गए। अब जरा देखो यहाँ पे कैसे कैपेस सर्किट कैसे ड्रॉ किया गया, तो देखो यहाँ इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया। इन दोनों पॉइंट्स को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो क्या पाओगे कि देखो यहाँ इन दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो ध्यान से समझो कि जो आपके पास ये वाला पॉइंट है, पहले आपका किससे, एक कैपेसिटर के थ्रू जा रहा, तो एक कैपेसिटर ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ, यहाँ पे मैं अगर ठीक से देखूं तो आपके पास यहां से येलो तक जाने के लिए इन्हीं ये वाली सर्किट से एक पॉइंट, और दूसरे साइड से आपको जाने के लिए कितने हैं, दो। तो यहां से देखो एक ये कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर, तो येलो कलर के लिए बेटा ये जो पॉइंट आपको मार्क किए गए ना, वो यहाँ पे मार्क नहीं करो, ये पॉइंट्स को हम कहाँ पे मार्क करें, ये पॉइंट एक्चुअली में एक पॉइंट को यहाँ पे मार्क करो और एक पॉइंट को कहां पे, यहां पे मार्क करो, तो आपको समझ में आएगा क्लियरिटी। जरा देखो यहां पे कैसे, देखो पहला एक कैपेसिटर यहां से डायरेक्टली कहां तक जा रहा है, एलो तक, तो ये वाला कैपेसिटर देखो डायरेक्टली यहां से एलो तक जा रहा है, पहला केस। दूसरा, यहां तक जाने के लिए दो कैपेसिटर से गुजरना होगा, एक और दो, तो वहां तक जाने के लिए एक और दो, दो कैपेसिटर से गुजरना पड़ गया। और अगर इससे तीसरी साइड बढ़ते हैं तो एक कैपेसिटर से डायरेक्ट रेड तक जाओगे, तो यहां से यहां तक डायरेक्ट रेड तक आओगे। तो ये दोनों पॉइंट्स और ये दोनों पॉइंट्स के लिए क्या रहेंगे, ये पॉइंट्स ये वाले रहेंगे, ठीक है ना। ये समझाने के लिए ये वाला पॉइंट लिया, लेकिन ये वाले पॉइंट्स क्या है बेटा, ये येलो रहेंगे, ये दोनों क्या रहेंगे, रेड रहेंगे। अब क्या करेंगे हम, सिमिलरली आपका दूसरी साइड भी वही बनेगा। देखो यहाँ एम से रेड तक जाने के लिए एक बार तो एक कैपेसिटर से गुजरना होगा, एम से रेड तक जाने के लिए एक बार एक कैपेसिटर से गुजरना होगा, और दूसरी बार अगर इसको तक जाना है तो आपका दूसरी साइड से दो कैपेसिटर से गुजरना होगा, ये आपके पास दो कैपेसिटर रहे। और अगर तीसरी साइड बढ़ जाए तो सीधा एलो में पहुंच जाओगे, तभी ये सर्किट बनाई गई है। फिलहाल इसके आंसर पर चलते हैं, जरा देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो देखो यहाँ पहला पॉइंट, ऊपर वाली जो सर्किट है, ऊपर वाली सर्किट देखो यहाँ, इसका जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, सीरीज है। नीचे वाली सर्किट भी क्या है, सीरीज है, और मिडिल वाली सर्किट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे कौन सी, अपर वाली सर्किट, देन आपके पास कौन सी सर्किट आएगी, नीचे वाली सर्किट, और फिर देखेंगे। तो देखो यहाँ ऊपर वाली ब्रांच का जो आंसर आने वाला है सी और सी कैसे है, सीरीज, और सीरीज में आंसर क्या होगा, सी बाई टू होगा। नीचे वाली ब्रांच में कैसी है, सीरीज, तो इसका भी आंसर क्या होगा, सी बाई टू होगा। अब देखो मिडिल ब्रांच को जरा देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये वाला हिस्सा पहले, ये सेक्शन मिडिल वाला सॉल्व करो, तो ये आपके पास अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं तो एक ये लगा हुआ है और इस तरीके का आपके पास सर्किट है, इस तरीके का, तो पहले ये वाला हिस्सा सॉल्व होगा। अब इसमें ये दोनों कैसे है? सीरीज सी बाई टू, और ये भी सी बाई टू। अब सी बाई टू और सी बाई टू मिलके क्या हो जाएगा,
ये सी बाई टू और सी बाई टू पैरेलल में जाएंगे तो सी हो जाएगा, तो बेटा इसका आंसर सी आएगा। और यहाँ पे सी और यहाँ पे सी, तो सी सी और सी ये तीनों कैसे आएंगे सीरीज में, तो सीरीज में आएंगे तो अगेन आंसर इसका जो आंसर बनेगा वो सिंपली क्या बनेगा, सी बाई क्या बनेगा, थ्री बनेगा। क्या किया, ये सी 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 बाई टू, सी 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 बाई टू और ये सी और ये सी और ये सी, तो दोनों को ऐड कर दिया, कितना आंसर आ गया सी बाई क्या आ गया, थ्री आ गया। हम लोग क्या करेंगे अब इसको कैसे ऐड करना है पैरेलल में, पैरेलल का मतलब डायरेक्ट एडिशन होगा, तो सी इक्विवेलेंट जो आएगा इसका क्या आएगा, सी बाई टू प्लस सी बाई थ्री प्लस सी बाई टू, तो इन दोनों को ऐड कर लो, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, सी आ जाएगा, आधा आधा एक प्लस क्या हो जाएगा सी बाई थ्री। जैसे इसको आप ऐड करोगे इसके नीचे वन मान लो, तो आंसर क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री ऑफ सी, ये आपके पास क्या हो गया सी इक्विवेलेंट, यही इसका आंसर है। क्या आ गया सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, फोर बाई थ्री ऑफ सी। अब देखो जरा इसी क्वेश्चन को एक और, यानी इस डायगोनल साइड डायगोनल के अक्रॉस आंसर कितना आ रहा, फोर बाई थ्री ऑफ क्या आ रहा सी। इसी क्वेश्चन को हम एक और अंदाज में करते हैं, तो पहले हम लोग इस सर्किट को हटा देते हैं। ओके नाउ जरा देखो यहाँ पे एक और तरीके से इसी क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, तो देखो जरा आपके पास क्या, आपके पास ये आपके पास सर्किट है, जरा ध्यान से देखो और रिजल्ट में भी थोड़ा नीचे कर देता हूँ, फोर बाई थ्री आप क्या आंसर आ रहा सी। देखो बेटा ये वाला जो वायर है ना ये हट ही जाएगा, तो इसको हटा ही दो पूरी तरह और इसको भी हटा दो, तो जैसे आप इसको हटाओगे तो आप क्या पाओगे कि ये वाला सर्किट ऐसे कुछ बन गया, कुछ ऐसे कुछ डायग्राम बचेगा आपके पास। ये वाला आपके पास क्या होगा, ये वाला आपके पास येलो पॉइंट रहा होगा और ये वाला आपके पास क्या रहा होगा, रेड पॉइंट रहा होगा। ओके तो जो वर्टिकल वायर थे यहां पे वो हटा दिए गए। अब देखो यहां, अब आप इसको अगर सम कर लो तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो देखो जरा यहां से ये वाला एक ब्रांच हो गया और एक ब्रांच ये हो गया, तो आपके पास टोटल कितनी ब्रांच हुई, दो ब्रांचें हुई। तो देखो यहां पे ये वाले रिजल्ट इसका आंसर ही, देखो सीरीज दिख रहा, ये आपके पास अगर सीरीज दिख रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, अगर आपके पास ये वाला हिस्सा सीरीज दिख रहा है तो आंसर होगा सी बाई टू, और ये वाला भी हिस्सा कैसा दिख रहा है सीरीज, इसका भी आंसर क्या होगा सी बाई टू। अब सी बाई टू कैसे दिख रहे हैं पैरेलल में, तो आंसर क्या होगा सी। तो सी 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 यानी ऊपर वाली ब्रांच को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऊपर वाली ब्रांच देखो सी बाई टू सी और सी सी सी, तो आंसर होगा क्या सी बाई क्या होगा थ्री, तीन कैपेसिटर लगाए गए। अब देखिए यहाँ ये वाला, ये दोनों कैसे है ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज में है और दोनों एंड के अक्रॉस कनेक्ट है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा सी बाई टू होगा। अब ये वाली ब्रांच देखो फिर से आपको कैसी दिख गई सीरीज, अगेन आंसर क्या होगा इसका, अगेन आंसर होगा क्या सी बाई टू, ये आपके पास पॉइंट एम होगा और ये आपके पास पॉइंट ए होगा। अब क्या करना है इसको सॉल्व कर लो, तो पैरेलल आ गए, सेम आंसर हो जाएगा सी बाई टू प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई थ्री, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो तो सी प्लस सी बाई थ्री, इसके नीचे वन मान के सॉल्व करोगे तो फोर बाई थ्री ऑफ क्या आएगा सी, ये आपका फाइनल आंसर है। यही हमारा रिजल्ट था पिछले बार, तो ये वाला मेथड ये वाला डायग्राम थोड़ा इजी पड़ता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको रिजल्ट क्या रखना है ध्यान रखना है और अप्रोच थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ओके नाउ चलते हैं आखिरी वाला यानी लास्ट, क्या है आपके पास साइड यानी आजू बाजू वाले पॉइंट है और इनके बीच में आपके पास क्या करना है, जो आपके पास किसी भी साइड के आजू बाजू वाले पॉइंट्स के अक्रॉस आपने बैटरी कनेक्ट कर दी और फिर से हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो क्या हुआ कनेक्शन हुआ वो उसका जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है 12/7 ऑफ क्या आने वाला है सी, यानी इसका सी इक्विवेलेंट कितना आता है 12/7 ऑफ क्या आता है सी। तो देखो यहाँ पे इसका जो फिर से हम लोग बात करेंगे कि सर्किट में क्या होगा, फिर से कुछ सेम पोटेंशियल के पॉइंट मार्क करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे देखो व्हाइट कलर के जो पॉइंट है यानी ये वाले व्हाइट कलर वाले पॉइंट ये भी क्या है सेम पोटेंशियल पे हैं और रेड वाले भी क्या है सेम पोटेंशियल पे हैं,
सिमेट्री है या फिर वहां से जो चार्ज का फ्लो है वो एक जैसा है, इसलिए यहां से और यहां से जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। लेकिन यहां पे इनको हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसका सर्किट इस तरीके से बनाया गया है। आप समझो जरा सर्किट कैसे आया होगा, यहां से फिर से वही बात, यहां से यहां तक दो और ये लॉन्ग रास्ता होगा तो ये यहां से निकलेगा, सिमिलरली यहां से यहां तक दो और ये लॉन्ग रास्ता होगा, तो जैसा इसका बिहेवियर है यानी जैसा चार्ज यहां पे जाएगा वैसा ही यहां पे जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे सर्किट जो बनाई गई उसको जरा समझते हैं कि भाई सर्किट यहाँ पे ऐसे कैसे आ गई, तो जरा समझो जो व्हाइट कलर के है वो पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल पे, तो समझो जो आपका ए पॉइंट है और दूसरा बी पॉइंट, ए से डायरेक्ट एक व्हाइट कलर का पॉइंट मिला एक कैपेसिटर के थ्रू, ये मिल गया, ए से दूसरा वाला भी व्हाइट पॉइंट एक कैपेसिटर के थ्रू मिला, करेक्ट, और ए से बी के लिए एक डायरेक्ट गया तो ए से डायरेक्ट गया एक यहाँ पे हो गया, एंड बी पे चलो बीच बीच से रेड के लिए भी एक और यहाँ पे एक और, तो एक और, तो ये हिस्सा देखो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा क्या होगा कंप्लीट, तो बीच वाले हिस्से को देखोगे तो इस तरीके से वो भी बना हुआ है, ध्यान से समझोगे स्टेप बाय स्टेप अगर देखोगे वन बाय वन, तो आपको इस तरीके का डायग्राम दिखेगा। अब इसको सॉल्व करना है, यही हमारा आंसर होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन को देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जहां पोटेंशियल सेम होते हैं उन पॉइंट्स को हम एक ही पॉइंट मान सकते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पोटेंशियल सेम मतलब क्या, एनर्जी लेवल सेम। तो देखो यहाँ इसको सॉल्व करना, ये ना तो सीरीज दिख रहा है ना पैरेलल दिख रहा है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे कि भाई ये जानो दोनों जो पॉइंट हैं ये वाले, इनके पोटेंशियल सेम है तो इनको ज्वाइन कर दो। जैसे इनको ज्वाइन करोगे तो आपको सर्किट देखो कैसे दिखेगा, ये सर्किट आपको इस तरीके से दिखने लगेगा, यानी हम लोगों ने क्या किया, पोटेंशियल क्या मान लिया, सेम मान लिया, जो कि माना नहीं था इनका, अब पोटेंशियल जो सेम था उसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करोगे तो आपके पास सर्किट कुछ ऐसे दिखने लगेगी, ये वाला आपके पास जो पॉइंट आएगा वो कौन सा पॉइंट आएगा, यहां पे जो आएगा वो व्हाइट कलर का पॉइंट आएगा। तो देखो यहाँ इसके बाद क्या होगा, जैसे ही इनको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे एक और आपके पास निकलेगा इस तरीके से, और ये वाला तो ऑलरेडी यहाँ पे था, अब इसके आगे एक कैपेसिटर है और इसके आगे फिर से क्या, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या मिलेंगे, एक पॉइंट मिलेगा इस तरीके से और यहाँ पे एक और मिलेगा इस तरीके का, यानी आपको जो ये वाला पॉइंट मिला वो रेड वाला मिला और ये वाला जो पॉइंट मिला वो व्हाइट वाला मिला। देखो यहाँ क्या हुआ, इन पॉइंट्स को आपने उठाकर ऐसा ऐड कर दिया, तो दो यहाँ यहाँ क्लियर हो गया, एक बीच में और टू यहाँ, तो टू यहाँ, और सीधा हम कहाँ पहुंच गए बोलो, हम डायरेक्टली पहुंच गए किसके पास, यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ कैपेसिटर बाकी रह गए, उनको भी लगा दिया जाए, जो व्हाइट कलर का पॉइंट है उसके ऊपर एक है और एक नीचे है यहाँ पे, तो एक यहाँ से ऐसे गया एक जो कि रेड से जाके मिला है, और नीचे भी एक गया है जो कि किससे मिला है, राइट से जाकर, और एक तो बाहर लगा एकदम से, इस तरीके की सर्किट है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये पॉइंट ए रहा होगा आपका और ये पॉइंट बी रहा होगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दिखने लगा होगा आपको, तो अगले स्टेप में जो सर्किट है वो आपकी क्या होगी, और थोड़ी सी रिजॉल्व होगी। कैसे रिजॉल्व होगी देखो जरा, ये सी और सी कैसा है, पैरेलल, ये वाला भी, तो अंदर वाली सर्किट बड़ी आसानी से सॉल्व होगी। देखो अंदर वाला बॉक्स सी और सी, तो टू सी और ए भी टू सी और ए सी, अब देखना ये वाला पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो इतना पोर्शन आएगा आपके पास टू सी प्लस सी और प्लस टू सी, ये इतना मिडिल वाला सेक्शन यहां से यहां तक। अब इसको अगर मैं साइड में थोड़ा सा सॉल्व करूं तो देखो इन दोनों का आंसर क्या आएगा आपके पास, सी आएगा और एक सी बैठा तो सी बाई टू, यानी ये पूरा रिजल्टेंट जो बनेगा बेटा इन दोनों का बाई टू लगेगा, तो इन दोनों का आंसर पैरेलल में सीरीज में उल्टा ऐड होता है तो सी बनेगा, और सी जब इसके साथ ऐड होगा तो आपके पास अगेन बाई टू हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा आपके पास सी बाई टू। बेसिकली इन दोनों का सी और ये सर्किट बन जाएगा आपके पास सी और सी, इस तरीके से बन जाएगा, सी और सी का रिजल्ट क्या होगा, सी बाई क्या होगा टू, तो ये वाली जो ब्रांच है मिडिल वाली वो सी बाई टू की है। अब ऊपर वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, देखो ये ब्रांच और ये ब्रांच और ये ब्रांच,
मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ तो आपको एकदम और क्लियरिटी आ जाएगी। तो पहले देखो ये वाली ब्रांच का आंसर कितना आएगा आपके पास, 2C आएगा। ऊपर एक कितने का लगा हुआ है आपके पास, C का लगा हुआ है। ये मिडिल सेक्शन का आंसर कितना आ चुका है, C/2 आ चुका है। और नीचे वाला सेक्शन कितने का है आपके पास, अगेन C का है। ये ज्वाइन कर दो। अब ये कंप्लीट सॉल्व हो चुका, तो यहाँ पे 2 फिर से बचे हुए, तो सी और सी कितना हो जाएगा, पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, 2C, डायरेक्ट एडिशन। और एक आपका बाहर यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ जो बिल्कुल बाहर है, जो कि सी का, इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास सर्किट क्या हो गई, ब्रेक होके आ गई। यहाँ पे सी है, बैटरी अलग से होगा, ये आपके पास सी चल रहा है, ध्यान रखना। बैटरी को अभी हम लोग नहीं दिखा रहे, ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट को क्या बोला था बी। अब क्या करेंगे, पहले हम लोग इस वाली सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर ये सीरीज में जाएगा, देन इसके साथ ये कैसा जाएगा पैरेलल में। तो देखो यहाँ, यहाँ पे देखो आपके पास सी और सी, ये तीनों कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन होता है। तो जरा फिर से इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं, सी प्लस सी, एक सी और एक सी और एक सी बाई टू, सीधा एडिशन होगा। तो मिडिल वाले सेक्शन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2C + C/2। इसके नीचे 1 मानो तो क्या हो जाएगा, 4C + C/2। आंसर क्या आएगा, 5C/ क्या आएगा, 2। तो मिडिल वाले सेक्शन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास कितना, 5C/2। अब ये वाला C और ये वाला C दोनों मिलके क्या बना देंगे, C बना देंगे, क्योंकि सीरीज है ये दोनों, ये भी है, लेकिन इसको इसका आंसर अभी लास्ट में देंगे। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, या मर्जी आपकी है, अभी ऐड नहीं करना तो बाद में ऐड कर लो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, जरा देखो यहाँ पे इसका वैल्यू आपके पास कितना आ चुका है, 5/2C, और इन दोनों की वैल्यू क्या आ चुकी है, सी। तो इन दोनों की वैल्यू लगा दिया मैंने, इन दोनों को सॉल्व करके सी, और मिडिल वाला पोर्शन भी लगा दिया, कितना आ गया आपके पास, 5/2 × C, सिर्फ 2, यानी इसका और इन दोनों का, इसका आंसर ये रखा है और इन दोनों का आंसर ये रखा है, और नीचे एक पहले से बैठा है कौन सा, सी, यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखो जरा इस इन दोनों में फिर से देखो, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, और सीरीज में तो इनवर्स एडिशन होगा, जैसे उनको आप इनवर्स एडिशन करोगे तो इस पर जो ऊपर वाली सर्किट का रिजल्ट आएगा आपके पास, वो अगर मैं शॉर्टकट दूं आपको, तो अगर ये सी है तो इसके बाजू में सी ऐड करना, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, नीचे ऐड हो जाती है, तो आंसर आएगा 5/7 of C, यानी इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो इनवर्स करके तो आपका रिजल्ट ये बनेगा 5/7, ऊपर वाली वैल्यू नीचे ऐड हो जाती, कंडीशन है यहाँ पे सी है तो बाजू में सी ही होना चाहिए। आप क्या करोगे बेटा, इसको इसके साथ आप पैरेलल में, अब डायरेक्ट एडिशन होगा, तो डायरेक्ट एडिशन में क्या है, आपको यहां से क्या करना है, डायरेक्ट ऐड कर देना 2 नंबर को। तो जैसे आप डायरेक्ट ऐड करने जाओगे तो आपके पास देखो क्या रिजल्ट आता है, जैसे आप इसको डायरेक्ट ऐड करोगे तो सी इक्वलेंट क्या हो जाएगा, C + 5/7 of C, तो ये हो जाएगा 7C + 5C/ क्या आएगा, 7। तो अगर ध्यान से देखो तो ये वही रिजल्ट है, 12/7 of C, जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था। फिर से समझ लो एक बार कि हमारे पास रिजल्ट कहाँ से आया। देखो यहां से हमने स्टार्ट किया, ये सर्किट को इस तरीके से रिजॉल्व किया, जो पॉइंट सेम के थे उनको ज्वाइन किया, यानी एक बनाया, और जैसे ही हमने उनको क्या किया, एक बनाया यानी ज्वाइन किया, यहाँ पे ये पॉइंट को क्या कर दिया आपने, ज्वाइन कर दिया, तो सर्किट इस तरीके से हो गई। तो सबसे पहले हमने मिडिल सेक्शन को सॉल्व किया, इसका आंसर कितना आया आपके पास, ये साइड में सॉल्व किया गया, और इस पूरे सेक्शन की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 5/2, यानी इस सेक्शन की वैल्यू ये रखी है, और ये वाली सी और सी क्या हो गया, 2C, और नीचे एक सी लगा, इसको फिर से ऐड किया तो क्या आएगा, 7/5/7, और अगेन ऐड किया तो क्या आ गया, 12। तो सीरीज और पैरेलल में इस तरीके से क्या आएगा, एडिशन आएगा। अब कई बार आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, लेकिन फिर से वही बात, आपको रिजल्ट आपको क्या रखने हैं, डायरेक्ट ध्यान रखने होंगे। पहला रिजल्ट आपका क्या कहता है कि डायगोनल के अक्रॉस क्या आंसर होता है, डायगोनल के अक्रॉस होता है क्या, 6/5 of C। साइड डायगोनल के अक्रॉस कितना होता है, यानी बॉडी डायगोनल, साइड डायगोनल के अक्रॉस क्या होता है, 4/3, और इसके लिए क्या आएगा, 12/C। रेजिस्टेंस के लिए इनवर्स रिजल्ट है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ,
तो ये इसके प्रूफ थे, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच।